वकास एक बहुत शरीफुल नफ्स और बड़ा बहुत ही प्यारा बच्चा था, आदात के लिहाज से, एतवार के लिहाज से, और बहुत अच्छा वो मुकर्रर था डिबेट में और डिक्लेमेशन कंटेस्ट में। हमेशा उसकी जो है ना वो आला पोजीशन आती थी। और जब वो क्लास फिफ्थ में था, सेवन्थ में था, तो उस वक्त उसकी टांग टूट गई, तो वो रोने लगा कि जी मैं आर्मी कैसे ज्वाइन करूँगा। लेकिन अल्लाह के फजल से फिर वो टांग उसकी लग गई, प्रॉपर हो गई। और 30 जुलाई को वकास ने नौशहरा में बेसिक आर्मर कोर्स पे आना था, तो ब्रिगेड कमांडर ने कहा कि जी कल जो ऑपरेशन है सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन, ये वकास करके जाएगा। हालांकि वो उसका एक तरह का वहाँ से टेन्योर भी ख़त्म हुआ हुआ था और वो लीव पे भी था, सुबह सवेरे उसने आना था। तो वकास जो है ना बड़ी खुशी के साथ जो है वो ऑपरेशन पर गया। सुबह उसने ट्रुप्स के सामने पहले तलावत की, दुआ की, और उसके बाद जो है ना वो अपना जो उनका टारगेट था उस तरफ चल पड़े। रास्ते में जब उनको एम्बुश किया गया तो वकास ने बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी बड़ी दिलेरी के साथ जो है ना वो फायर रिटेलिएट किया। 14 जो जवान थे 6 AK के वो ज़ख्मी हो गए। तो वकास चूँकि सीनियर था और इनके साथ जो है ना एक सेकेंड लेफ्टिनेंट था, उसको तो पता ही नहीं था। तो वो फिर इसने 14 आदमी जो है वो अपने कंधों पे उठा के तो उनको महफूज जगह पे पहुँचाया। आखिरी जो जवान था तो उसको जब उन्होंने उठा के तो APC तक पहुँचाया, तो सामने स्नाइपर बैठा हुआ था, उसने फिर जो है ना शहरक पे वकास को जो है ना वो गोली लगी। और वकास ने उस वक्त नारा तकबीर बुलंद किया और 10 मिनट के बाद वकास ने आसमान की तरफ देखा, शहादत की उंगली खड़ी की, कलमा पढ़ा और अपनी जान जान आखिरी को दे दी। हम उन सब शहीदों को खराज तहसीन पेश करते हैं। हमारी लाखों दुआएं हैं, लाखों सलाम हैं सब शहदा के लिए। एक कैप्टन वकास नहीं है, हज़ारों बच्चे जो हैं हमारे बॉर्डरों पे जो शहीद हुए हैं, और कुछ लोग जो दहशतगर्दी के उसमें अनजाने में शहीद हुए हैं, सबको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। बच्चे तो माँ के लिए सब बराबर होते हैं, लेकिन कैप्टन वकास जो थे वो अल्लाह की देन थी कि शुरू से ही वो बुरी तरह की तबीयत थी उनकी। तो जब थोड़े से बड़े हुए तो वो काफ़ी जो है ना बाकी बच्चों से मैच्योर, और उनकी हर अदा तो इतवार जो थे वो काफ़ी बच्चों से हट के थे। गम का कसूर क्या हुआ? शहादत के बाद बस मेरे दिल में ऐसे ही ख्याल पैदा हुआ कि क्यों ना एक अच्छे बच्चे की आदाद व इतवार, उनका जहन और उनकी हर बात को नोट किया जाए, लिखा जाए, ताकि आने वाले जो बाकी बच्चे हैं हमारी जनरेशन है तो वो इस किताब, उसके लिए मैंने फिर एक किताब लिखी। तो उसका नाम मैंने जस्तजुए शहादत रखा। वो जस्तजुए शहादत मैंने इसलिए रखा कि कैप्टन वकास जो थे जब वो मिलिट्री कॉलेज से फारिग हुए, उसके बाद वो PMA में गए, तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी एक दिन, अक्सर ऐसे होता था, तो एक दिन आके बैठ गए तो मुझे कहने लगे कि अम्मी आप मेरे लिए दुआ करें। तो मैंने कहा बेटा मैं क्या दुआ करूं आपके लिए? तो कहने लगे कि अम्मी मुझे शहादत चाहिए, बस मेरे लिए आप दुआ करें कि मेरा फ़ौज में जाने का जो मकसद है वो है शहादत, तो अम्मी आप मेरे लिए दुआ करें। मैं थोड़ी चुप सी हो गई, तो मैंने कहा अच्छा बेटे अल्लाह पाक आपको सुरखरू करे, बस मैंने इतनी ही बात की। तो दूसरा बच्चा भी हाफिज़े कुरान है, तो उसको कहता था कि ताज तो अम्मी को आप पहनाओगे लेकिन जन्नत में तो मैं ही लेके जाऊंगा। बैठ कर